हेलो, वेलकम टू एकदम ऑमफर्स। तो आज मैं आपको एक डिफरेंट सी चटनी बनाना दिखाऊंगी जो कि बीट रूट की चटनी है। तो हमने उसके लिए क्या सामान लिया है, बीट रूट हमने लिया है, एक छोटा सा बीट रूट मैंने मीडियम साइज़ का ग्रेट कर लिया, बिल्कुल पतले वाले ग्रेटर से। साथ में मैंने कोकोनट लिया है, चाहे आप फ्रेश ले सकते हैं चाहे आप ड्राई ले सकते हैं, पर फ्रेश लेंगे तो अच्छा होगा, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा था। तो जितना बीट रूट आपने अप्रॉक्सीमेटली एक कटोरी में लिया है, उतनी ही कटोरी में आपने ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ले लेना है। इसको भी बारीक हमने ग्रेट कर लिया है, और 3-4 कड़ी पत्ते ले लिए। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिनको कि हम छोटा छोटा कट कर लेंगे ताकि वो हम जब खाते समय उसको साइड ना कर दें, वो भी हम कंज्यूम करें। और साथ में ये जो है तड़का वगैरह मैंने लिया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं साउथ इंडियन तड़का। इसमें आपने राई, चने की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल जो है वो ऑप्शनल है, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालिए, वरना राई ज़रूर डालिए। और ये हरी मिर्ची मैंने ली है, हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक काट कर ली है। चाहे तो आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको हरी रंग नहीं चाहिए इस लाल बीटरूट की चटनी में, तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हमने लिया। और ये इमली ली है थोड़ी सी हमने, बहुत ही थोड़ी सी आप देख सकते हो, दो छोटे छोटे टुकड़े जो मैंने लिए हैं। अगर आप चाहें जैसे कि छोटा सा, जैसे 1 रुपी कॉइन होता है, उतनी आपने इमली लेनी है, और उसको जो है थोड़ा पानी में मैंने भिगो दिया है। और ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है, घी या तेल कुछ भी आप ले, उसको मैं ऑन कर देती हूँ गैस को। और इमली को आपने बस इसका पल्प निकाल करके इसका पानी हमें यूज़ करना है। इमली का पल्प मैंने निकाल दिया और ये पानी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये घी या तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारा गर्म हो गया। आप चाहे इसमें हींग भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा हमने तड़का डाला है, और साइड में मैंने ये कड़ी पत्ता भी थोड़ा कट कर लिया और हरी मिर्ची डाली है। तो उसको जैसे ही ये तड़का थोड़ा तड़क जाएगा तो ये भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से कुक होना है। ये बस फूट जाने के बाद में हम इसमें ये अपना बीट रूट जो है ग्रेटेड डाल देंगे। हम बिल्कुल बारीक ग्रेट करिएगा तो बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर भी आता है, और खाने में भी वो चटनी जैसा लगता है, वरना वो सब्जी जैसा हो जाएगा। हालांकि इसकी सब्जी भी बनती है अगर आप थोड़ा बड़ा उसको ग्रेट करें और कट करें तो वो भी हो जाएगा। ये जो है बीट रूट हल्का सा गल जाएगा तो मैं इसमें जो है डालूंगी इसमें नारियल, और इसी के साथ मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, थोड़ा कम डालिए अगर आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं, थोड़ा अभी कम डालिए। और धीरे गैस करके थोड़ा सा इसको, मैं जो पानी है ना, मैं क्या करूँगी कि इमली वाला पानी डाल दूँगी ताकि हमारा एक्स्ट्रा पानी ना हो जाए। तो इमली के पानी में ये थोड़ी सी कुकिंग हो जाए, हालाँकि खट्टा होता है पानी, पर ये कुक हो जाएगा जल्दी। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे कि आपने 3 मिनट कुछ इसको हमने धीरे पे कुक कर लिया। उसके बाद हम इसमें नारियल भी डाल देंगे, अगर आप फ्रेश है तो फ्रेश ही डालें, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी हम, या जैसे कि आधा कप पानी डाल के इसको हम, इस समय आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा भी टेस्ट कर सकते हैं इसको मिक्स होके। और इसको धीरे पे आपने इसको ढक करके, जब तक ये अच्छे से बिल्कुल मतलब गल ना जाए हर चीज़, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ा करीब 5 मिनट धीरे पर रखने के बाद आप देखोगे कि इस तरह की हो जाती है। वैसे कई बार आप इसको मिक्सी में भी पीस के भी बना सकते हो, पर मैंने बहुत बारीक कट किया है। ये भी एक अलग टेस्ट आता है, मिक्सी में पीस लेंगे तो भी टेस्ट आएगा, मतलब न्यूट्रिशन तो उतना ही रहेगा। तो आप इसको ही बनाने के बाद मिक्सी में भी पीस सकते हैं, तो और इसका जो है गुलाबी सा रंग आ जाएगा पीसने के बाद में, और ऐसे भी बहुत ही टेस्टी है। तो बस अभी इसको खुला रख के हम इसको थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ी मीडियम से गैस पर, बहुत तेज मत करिए। ये हमारी जो है बीट रूट की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बीट रूट की तैयार है, पर मैं इसको अब आपको पीस के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है। बहुत सुंदर दिखती है, डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, चावल में मिक्स करके खाइए, पराठे के साथ या डोसे के साथ, इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा मिक्सी में चलाएंगे तो और पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, तो और अच्छी लगती है अगर इडली डोसे के साथ में अगर इसको खाया जाए। तो चलिए थोड़ा सा इसको पीस के भी देख लेते हैं। अब इसको जो है मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। ये हमने इसको पीस लिया, अब देखिए कितना सुंदर सा आता है ये। और अगर आपके पास ना कोकोनट मिल्क हो तो कोकोनट मिल्क डाल के इसको थोड़ा पीसना, बहुत ही यमी उसका टेस्ट आता है। और ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, और कोकोनट मिल्क अगर डालेंगे तो और जो है इसका कलर जो है पिंक से में आ जाएगा, बहुत ही यमी लगता है। ये देखिए मैंने दूसरी कटोरी में निकाल के वो दिखाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, और टेस्ट भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पीसने के बाद में। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तड़का डाल देंगे ऊपर से। तो ये घी तेल जो भी आपने लिया है उसमें आपने राई डाल देनी है, और थोड़ा सा हम इसमें जैसे ही राई तड़केगी तो हम थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे, और ये तड़का जो है बस हो गया। तो ये देख सकते हो बहुत ही
टेस्टी न्यूट्रिशियस चटनी बनकर तैयार है, तो आप भी ज़रूर बनाइए और बने रहिए मेरे चैनल पे एकता होम फूड्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। और ये ज़रूर चटनी आप बनाइएगा, क्योंकि बीटरूट जो है ना बहुत बच्चे खाते नहीं है, और मतलब ये तरीके से हम जो है बीटरूट बच्चों को खिला सकते हैं। मतलब बेसिकली किसी भी तरह न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन जो है बच्चों के पेट में जाना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें बना के हम घर में बहुत लोगों को खुश कर सकते हैं और साथ साथ सबके सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।